हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो हम लोग का है क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हम लोग प्रीवियस सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल में आकर देख सकते हैं। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप अगर लाइव देख रहे हैं तो इसका कमेंट आप लोग लाइव कमेंट बॉक्स में देंगे, और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन बाद में देंगे तो भी इसका आंसर नीचे देने की कोशिश करें ताकि आपका इससे प्रैक्टिस हो जाए। इसी तरह के सारे चैप्टर कंप्लीट आपको पूरी सॉल्यूशन मिल जाएगा इस चैनल पे। तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और अपने सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड भी इस चैनल से बेनिफिट ले सके। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर जो है प्राचाय निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करूँगा मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है जितने भी क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी बेस्ड और बिहार बोर्ड स्पेशल के लिए मैं सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। सो आप लोग जो है कहीं भी आपको कहीं पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन भी आपको फालतू इधर उधर से नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इस क्वालिटी में नहीं लेना है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से देखना है पूरी वीडियो को, आंसर देने की कोशिश करना है कि कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाते हैं। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और यहाँ पे फर्स्ट का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बर्नियर। देखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बर्नियर, जिन्होंने ये बता रखा है बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक जिसको हम कहते हैं समरकंदी नामक यात्री ने किस के यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उसे प्रेरणा ली। सो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, अगर आप लोग बता सकते हैं तो बता सकते हैं यहाँ पे आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे इब्न बतूता, ठीक है। चलो आगे देख लो। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अपनी आँख के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मुच्छित हो गया था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक एंड इब्न बतूता या फिर बर्नियर। सो फाइनल इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे यानी इब्न बतूता। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता, ठीक है। चलो आगे देखो। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कराए कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती प्रथा सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल जो किस विदेशी यात्री ने बताया है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और नीचे में दो ऑप्शन है इब्न बतूता और बर्नियर। सो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी बर्नियर। याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बर्नियर। चलो आगे देख लो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कराए किताबुर रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह से याद करना आप लोग को और बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। देखो 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा इब्न बतूता, जिन्होंने भी सी बता रखा है बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कराए कि मोहम्मद इन जुजियो ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा। तो देखिए क्वेश्चन शायद मुझे मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे, शायद मोहम्मद इब्न जुजियो इब्न होगा यहाँ पे इन नहीं होगा, ठीक है। मोहम्मद इब्न जुजियो ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा। सो देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 4 दिया हुआ है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी इब्न बतूता। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता। चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कराए किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है। देखिए यहाँ पे ग्वालियर है, उज्जैन है, लाहौर और पटना। 7 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा याद रखेंगे ग्वालियर इसका राइट आंसर को क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, जिन्होंने भी यही बता रखा है बिल्कुल सही आंसर होगा और इसका मिस्टेक हुआ सही कर लो, याद कर लो पूरी तरह से। बाकी आप लोग कमेंट में लास्ट में बताएंगे कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाए इस चैप्टर से, ठीक है। तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन जो है किस विदेशी यात्री ने किया है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से देखिए और बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखेंगे अलबरूनी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। और देखो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सतराज जो है वो किस यात्री को कहा जाता है। अच्छे से देखेंगे आप सो ऑप्शन को, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन में दिया हुआ है। देखो क्या कह रहा है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सतराज यहाँ पे नहीं है,
सरताज है, ठीक है। सरताज किस यात्रियों को कहा जाता है? ऑप्शन आप केस करने पे 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मार्क पोलो को, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 10 करा कि जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। सो देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये भी पूछा गया बहुत बार, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या जाएगा? इब्न बतूता, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इब्न बतूता, ठीक है। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था। सो 11 नंबर क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कह रहा है हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया। सो देख लीजिए ऑप्शन, आप यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इनमें से डी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हुमायूं के दरबार में आया ही नहीं था कोई अफ्रीका यात्री। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। सो देखिए यहाँ पे काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए यहाँ पे कितने बार एग्जाम पूछा गया है, जैक बोर्ड 2015-19, बीएसबी 2014-15-17-18-19, एकदम रट्टा लगा दिया इसको। देखो 13 नंबर क्वेश्चन की जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना सो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे महमूद गजनवी, या जिसको कहते हैं मोहम्मद गजनवी, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, या फिर कहेंगे गजनवी भी लिखा रहता है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यात्रियों का राजकुमार जो है किसे कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार जो है वो इनमें से किसे कहा गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, सो देखेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा 14 नंबर का, ठीक है। सो देखो 14 नंबर का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वेन सॉन्ग, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कह रहा है कि इब्न बतूता जो है किस देश का यात्री था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कौन से देश का हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, देखो 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मोरक्को का। काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए अगर पढ़े होंगे तो, बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस जो है वो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। सो ऑप्शन को अच्छे से एक बार देख लेंगे, अकबर दिया हुआ है, जहांगीर दिया हुआ है, औरंगजेब एंड शाहजहां दिया हुआ है। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा 16 नंबर क्वेश्चन का? सो देखो 16 का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी जहांगीर, ठीक है, याद रखेंगे। कैप्टन हॉकिंस जो है वो किस मुगल शासक के दरबार में आया था तो वो हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे देख लो क्वेश्चन 17 कह रहा है कि इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है 17 नंबर क्वेश्चन का, देखो 17 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अरबी। चलो आगे देख लो, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 18 को कवर करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 करा है किताबुल हिंद अथवा तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो किताबुल हिंद एवं तहकीके हिंद में जो है किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन पे, कौन सा आंसर होगा? तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जिन्होंने भी ए बता रखा है बिल्कुल सही आंसर देगा। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर से 18 क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया हूँ, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल मिला होगा। और अगर आप लोग को किसी तरह के डाउट हो या किसी चीज़ का सवाल पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप अपने जो है जिस कोई भी चैप्टर का आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर रख सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में सारे वीडियो जो है मिलते रहे। चलिए तो वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।